भारत का संविधान भाग 14 का अधिकरण अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का एक संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और परिवादों के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा निर्णय या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा। दो खंड एक के अधीन बनाई गई विधि क संघ के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण और प्रत्येक राज्य के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों के लिए एक पृथक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी। ख उक्त अधिकरणों में से प्रत्येक अधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता शक्तियां जिनके अंतर्गत अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है और प्राधिकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी। ग उक्त अधिकरणों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए जिसके अंतर्गत परिसीमा के बारे में और साक्ष्य के नियमों के बारे में उपबंध है उपबंध कर सकेगी। घ अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता का खंड एक में निर्दिष्ट विवादों या परिवादों के संबंध में अपवर्जन कर सकेगी। अंग प्रत्येक ऐसे प्रशासनिक अधिकरण को उन मामलों के अंतरण के लिए उपबंध कर सकेगी जो ऐसे अधिकरण की स्थापना से ठीक पहले किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित है और जो यदि ऐसे वाद हेतुक जिन पर ऐसे वाद या कार्यवाहियां आधारित हैं अधिकरण की स्थापना के पश्चात उत्पन्न होते हैं होते तो ऐसे अधिकरण की अधिकारिता के भीतर होते। च राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 371 घ के खंड 3 के अधीन किए गए आदेश का निरसन या संशोधन कर सकेगी। छह ऐसे अनुपूरक अनुसंगिक और परिणामिक उपबंध जिनके अंतर्गत फीस के बारे में उपबंध है अंतर्विष्ट कर सकेगी जो संसद ऐसे अधिकरणों के प्रभाव कार्यकरण के लिए और उनके द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए और उनके आदेशों में परिवर्तन के लिए आवश्यक समझे। तीन इस अनुच्छेद के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय परिवर्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अनुच्छेद 323 ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण अनुच्छेद 323 ख एक समुचित विधानमंडल विधि द्वारा ऐसे विवादों परिवादों या अपराधों के अधिकरणों द्वारा न्याय निर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा जो खंड दो में विनिर्दिष्ट उन सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित हैं जिनके संबंध में ऐसे विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। दो खंड एक में निर्दिष्ट विषय निम्नलिखित हैं अर्थात क किसी कर का उद्ग्रहण निर्धारण संग्रहण और परिवर्तन ख विदेशी मुद्रा सीमा शुल्क
सीमांतों के आधार पर आयात और निर्यात, ग औद्योगिक और श्रम विवाद, घ अनुच्छेद 31 क में यथा परिभाषित किसी संपदा या उनमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन या ऐसे किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उपांतरण द्वारा या कृषि भूमि की अधिकतम सीमा द्वारा या किसी अन्य प्रकार से भूमि सुधार अंग नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा च संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन, किंतु अनुच्छेद 329 और अनुच्छेद 329 का में निर्दिष्ट विषयों को छोड़कर छह खाद्य पदार्थों का, जिनके अंतर्गत खाद, तिलहन और तेल है और ऐसे अन्य माल का उत्पादन, उपापन, प्रदाय और वितरण, जिन्हें राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए आवश्यक माल घोषित करे और ऐसे माल की कीमत का नियंत्रण, ज किराया, उसका विनियमन और नियंत्रण तथा किराएदारी संबंधी विवाधक जिनके अंतर्गत मकान मालिकों और किराएदारों के अधिक हक और हित हैं, झ उपखंड क के उपखंड ज में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और उन विषयों में से किसी की बाबत फीस, या उपखंड का के उपखंड झ में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी का अनुसंगिक कोई विषय, तीन खंड एक के अधीन बनाई गई विधि का अधिकरणों के उत्क्रम की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी। ख उक्त अधिकरणों में से प्रत्येक अधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता शक्तियां, जिनके अंतर्गत अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है और प्राधिकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी। ग उक्त अधिकरणों द्वारा अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया के लिए, जिनके अंतर्गत परिसीमा के बारे में और साक्ष्य के नियमों के बारे में उपबंध है, उपबंध कर सकेगी। घ अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता का उन सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में अपवर्जन कर सकेगी जो उक्त अधिकरणों की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। अंग, प्रत्येक ऐसा अधिकरण को उन मामलों के अंतरण के लिए उपबंध कर सकेगी जो ऐसे अधिकरण की स्थापना से ठीक पहले किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं, और जो यदि ऐसा वाद हेतुक जिन पर ऐसे वाद या कार्यवाहियां आधारित हैं अधिकरण की स्थापना के पश्चात उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे अधिकरण की अधिकारिता के भीतर होता है। च ऐसे अनुपूरक, अनुसंगिक और परिणामिक उपबंध जिनके अंतर्गत फीस के बारे में उपबंध है अंतर्विष्ट कर सकेगी जो समुचित विधानमंडल ऐसे अधिकरणों के प्रभावी कार्यकरण के लिए और उनके द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए और उनके आदेशों के परिवर्तन के लिए आवश्यक समझें। चार, इस अनुच्छेद के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद में किसी विषय के संबंध में समुचित विधानमंडल से यथास्थिति संसद या किसी राज्य के विधान
मंडल अभिप्रेत है जो भाग 11 के उपबंधों के अनुसार ऐसे विषयों के संबंध में विधि बनाने के लिए सक्षम है।